हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सुहाने। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और एकदम सिंपल वे में ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी। हमारे इंडियन कुकिंग कल्चर में पनीर बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे हम ढाबे पर जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं या किसी भी होटल में जाएं, लंच हो या डिनर, पनीर तो हम सभी ऑर्डर करते ही हैं। तो क्यों ना आज घर में बनाई जाए एकदम ढाबे स्टाइल वाली पनीर की सब्जी, वो भी बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि घर में अवेलेबल होते हैं। एंड जो लोग पहली बार पनीर की सब्जी बना रहे हैं या जो पनीर की सब्जी बनाना सीख रहे हैं, उनके लिए आज की रेसिपी बेस्ट है। हम जो ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी बनाने वाले हैं, उसकी खास बात ये है कि इसे हम बनाएंगे होममेड पनीर से। आप देख सकते हैं कि होममेड पनीर से भी कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल एंड 3 टेबल स्पून बटर लिया है। आप चाहें तो सिर्फ ऑयल से या सिर्फ बटर से भी सब्जी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने पर सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और इसमें अब जाएगी एकदम फाइन चॉप अनियन। यहाँ मैंने 3 मीडियम अनियन ली है और इसे फाइन चॉप किया है। अनियन को हमें लाइट सॉटे करना है। जब ये लाइट सॉटे हो जाएगी उसके बाद ही हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। आज की जो पनीर की सब्जी है, इसे बनाना इतना इजी है कि अगर आपने कुछ प्लान नहीं भी किया हो, सिर्फ पनीर घर पर हो, तो आप ये सब्जी इजीली बना सकते हैं। बिना प्लान किए अगर आप इंस्टेंट इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाकर सर्व करेंगे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि ये सब्जी आपने बनाई है। एकदम ढाबे स्टाइल वाली सब्जी बनकर तैयार होगी। अनियन लाइट सॉटे हो चुकी है तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब्जी इंस्टेंट कैसे हुई, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। आज के टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अनियन गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है तो इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून धना पाउडर और इसमें जाएगा 1 टीस्पून किचन किंग मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून देगी मिर्च, साथ ही इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 पिंच हरी इलायची का पाउडर। अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून दरदरी मोटी सौंफ। सभी मसालों को अनियन के साथ अच्छे से भूनेंगे। मैंने इसमें जो भी मसाले ऐड किए हैं, ये इजीली सभी के घर में अवेलेबल होते हैं। अगर किचन किंग पाउडर आपके पास नहीं है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। अब इस मसाले में जाएंगे टोमेटोस। यहाँ मैंने 3 मीडियम टोमेटोस लिए हैं और इन्हें फाइनली चॉप किया है। टमाटर के साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने यहाँ रॉक सॉल्ट यूज़ किया है। मोस्टली मैं अपनी सभी रेसिपीज में सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, because rock salt is good for health। टमाटर के साथ नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी पक जाता है और मसाला जल्दी बनकर तैयार होता है। ये देखिए, मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये परफेक्टली तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश मलाई एंड 4 टेबल स्पून फ्रेश कर्ड। अगर आपके पास फ्रेश मलाई ना हो तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और कर्ड का विशेष ध्यान रखें कि आप इसमें खट्टा कर्ड यूज़ ना करें, क्योंकि खट्टा कर्ड यूज़ करने से सब्जी की ग्रेवी खट्टी हो जाएगी तो आपको सब्जी पसंद ही नहीं आएगी। तो विशेष ध्यान रखें, एकदम फ्रेश और थिक कर्ड ही यूज़ करें। मसाले को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे पनीर के क्यूब। पनीर को हमने डाइस्ड कट किया है। ये होममेड पनीर है जो कि हमने घर में बनाया हुआ था। ये पनीर इतना सॉफ्ट एंड टेस्टी है कि इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसे कट करके आप ऐड कर दें।
मैंने यहाँ 350 ग्राम पनीर ऐड किया है। पनीर को मसाले के साथ अच्छे से भूंजेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर हमें पनीर को मसाले के साथ भूंजना है। जब मसाले पनीर का पानी एब्जॉर्ब कर लें और ऑयल छोड़ने लगें, तब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ वाटर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा, गैस की फ्लेम एकदम लो करेंगे और इसे ढककर 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक हमारी सब्जी पककर तैयार होगी, तो चलिए चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो आज के टिप्स एंड ट्रिक्स में हम आपको बताने वाले हैं कि जिंजर गार्लिक पेस्ट कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है। जितना हमने गार्लिक लिया है, उसका जस्ट 1/2 हमें जिंजर लेना है। उसमें ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1/2 कप लहसुन की कलियाँ ली हैं, जिन्हें हमें पील करके रखना है। एंड अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप अदरक। इसे भी पील करके रफली चॉप करना है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप का भी 1/2 कप ऑयल। आपका जो 1/3 कप का मेजरमेंट है, उससे 1/2 कप आपको ऑयल लेना है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड करना है और एक फाइनली पेस्ट बनाकर तैयार करना है। मैंने यहाँ सिंपली वेजिटेबल ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ऐड करके ये पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस टेस्टी पनीर की रेसिपी को बिना लहसुन प्याज के कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए हैं मेरे पास कुछ खास टिप्स। आप लहसुन प्याज को स्किप कर दें, अदरक का पेस्ट ऐड करें और प्याज को स्किप करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं मूंगफली। मूंगफली को 1/2 घंटे गर्म पानी में सोक करें, उसके बाद उसका एकदम फाइनली पेस्ट बना लें, फिर उसे ऐड करें। क्योंकि ग्रेवी में मूंगफली का पेस्ट ऐड करने से ग्रेवी में रिचनेस आती है और वो थिक भी बनती है। तो इस तरह आप अनियन को रिप्लेस करके मूंगफली का पेस्ट बनाकर उसमें ऐड कर सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के भी ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो ये देखिए, हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट बनकर तैयार है। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में और इसे आप पूरे महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। एक क्लीन एंड ड्राई जार में इसे आप भरकर रेफ्रिजरेटर में रख दें। 1 महीने तक आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये लीजिए, इतनी देर में हमारी टेस्टी सब्जी भी बनकर तैयार है। ये देखिए, सब्जी में ऑयल जब ऊपर फ्लोट होने लगता है, मीन्स सब्जी परफेक्टली बनकर तैयार है। मसाले का टेस्ट पनीर में, पनीर की रिचनेस ग्रेवी में, वाह क्या सब्जी बनी है। ऐसी पनीर की सब्जी देखकर तो आप भी बनाना चाहेंगे। एकदम ढाबे स्टाइल वाली मसालेदार चटकदार सब्जी बनकर तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ में हल्का सा रब करना है, फिर इसमें ऐड करना है। हाथ में रब करने से कसूरी मेथी में एक हल्की सी गर्मी आती है, जिससे सब्जी में उसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है, इसलिए इसे हाथ से रब करके डाला जाता है। लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और फ्रेश धनिया। धनिया जो कि सभी सब्जियों की, दालों की और सभी रेसिपीज की जान होती है। एंड मुझे इतनी पसंद है कि मैं तो अपनी सभी रेसिपीज में ऐड कर देती हूँ। आपको धनिया का फ्लेवर एंड टेस्ट किन किन डिशों में पसंद है और किस में नहीं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ये लीजिए, फाइनली पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। एकदम ढाबे स्टाइल वाली सब्जी है। अब इसे हम जल्दी से प्लेट भी कर लेते हैं। ये सब्जी इतनी टेस्टी है, इसे आप सिंपल चपाती के साथ, कुलचा के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, जो आप चाहें उसके साथ सर्व करें, मज़ा ही आ जाएगा। है ना, बहुत सिंपल रेसिपी, एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बेसिक सी रेसिपी। तो इसी तरह आप भी बनाएं एकदम ढाबे स्टाइल पनीर की सब्जी। इफ यू लाइक दिस रेसिपी, सो प्लीज
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।